नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। ऐसी कहावत है, माँ की ममता मूरत जैसी होती है, लेकिन एक माँ ने अपनी प्रेमी संग मिलकर अपने 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माँ और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि बोरखेड़ा निवासी सुमित पुत्र हरदेव यादव ने थाने में पहुंचकर पत्नी के गुम होने की प्राथमिकता दर्ज कराई। उसके बाद इटावा पुलिस उपाधीक्षक विजय शंकर शर्मा के निर्देशन और बुराड़ी थाना अधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में मामला सामने आया कि सुमित की पत्नी टीना उर्फ पुष्पा जयपुर जिले के उदावला गाँव में प्रेमी प्रहलाद साई के साथ रह रही थी। पुलिस ने उसे दस्तयाब किया, लेकिन उसके साथ पुत्री नंदिनी नहीं थी। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। भैरोड अलवर रोड पर 3 दिन पहले कल्याणपुरा गांव के पास वाहन चालकों से स्कॉर्पियो गाड़ी पर बत्ती लगाकर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली कि भैरोड के कल्याणपुरा गाँव के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर वाहन चालकों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस पर पुलिस ने टीम गठित कर बडोल टोल से सीसीटीवी कैमरे से फुटेज लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने 2 बदमाशों को भैरोड अनाज मंडी के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोनी पुत्र सतवीर यादव निवासी रामबास थाना मुंडावर और पवन स्वामी पुत्र फूलचंद निवासी पेजुगा थाना कोटपुतली को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। फरार आरोपी भैरोड क्षेत्र का रहने वाला है, जल्दी पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के गंगपुरा में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर पूरी संघर्ष हो गया, जिसमें धारदार हथियारों के हमले से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीना मौके पर पहुंचे और हमलावालों की तलाश शुरू कर दी। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही है ओनली ऑन डेली हंट। बयाना थाना क्षेत्र में कलसाड़ा मार्ग पर खरेरी गांव के पास पुलिस ने शनिवार सुबह अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। शराब तस्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अवैध शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 63 पेटी अवैध शराब बरामद की, साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बयाना थाना प्रभारी पूरन सिंह मीना ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे मुखबिर सूचना मिली एक बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब भरकर ले जाई जा रही है। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल लाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित और खरेरी गांव के पास नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान कलसाड़ा गांव की तरफ से एक बिना नंबर का ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दिया, जिसे रुकवा कर जाँच की तो उसमें देसी शराब के 63 कार्टून भरे हुए थे। ट्रैक्टर चालक के पास शराब से संबंधित कोई कागजात नहीं मिले, ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। मानसरोवर रिको एरिया स्थित ओसवाल साबुन की फैक्ट्री में गुजरात से 40,000 लीटर ऑयल का एक टैंकर मंगवाया गया, जिसे फैक्ट्री में खाली किया गया। गत दिनों पहले जब फैक्ट्री मालिक ने गुजरात से आए टैंकर की जांच की तो उसमें 35,000 लीटर ही ऑयल पाया गया। टैंकर में 5,000 लीटर ऑयल कम होने के बारे में जब उन्होंने टैंकर चालक से पूछा तो वह कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर फैक्ट्री मालिक ने सन्निक जैन से शिप्रापत थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए अजरुद्दीन और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ब्यावर बाईपास से गोपाल सिंह रावत को गिरफ्तार किया।
देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। मानसून में लॉकडाउन के दौरान कुछ अपराधी किसी के युवक और उनकी गैंग सक्रिय हो गई। इन दिनों गैंग के सदस्यों का फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गैंग के सदस्यों के हाथ में लाठी, तलवार और बैट सहित कई अन्य हथियार नजर आए। ऐसा माना जाता है कि ये गैंग मानसून में गैंगवार करने को लेकर बड़ी वारदात करने की फिराक में, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो बानसूर के श्यामपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने मेन सड़क का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बानसूर में स्थानीय क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस संबंध में बानसूर थानाधिकारी अवतार सिंह ने बताया कि वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनमें से कुछ अभी जेल से छूट कर आए, उनकी पहचान कर ली गई। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जिले में परिवहन विभाग के अधिकारी खुलेआम चौथ वसूली में लगे हुए। कोरोना काल के इस भयानक दौर में परिवहन विभाग के कार्मिक सड़कों पर निकलने वाले भारी वाहनों से जमकर वसूली कर रहे हैं। इस मामले में भांडापुर शनिवार को उस वक्त जब एक ट्रक ड्राइवर ने पैसा लेते हुए परिवहन विभाग के कार्मिक का वीडियो बना लिया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर के फोन से वीडियो डिलीट कराने के लिए सब इंस्पेक्टर शिव नारायण और उनका स्टाफ सड़कों पर दौड़ता नजर आया। मामले में ट्रक ड्राइवर से मारपीट के साथ ही उसे डराने और धमकाने की भी बात सामने आई। ट्रक ड्राइवर का बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बात की जानकारी मिलने पर नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने विभाग की जाँच के आदेश। इसके बाद परिवहन विभाग ने मामले में आरोपी इंस्पेक्टर को रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। वन विभाग की टीम ने मोर के शिकार के मामले में मध्य प्रदेश निवासी दीपा और शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विभाग की टीम ने जयपुर के सेज थाना इलाके के कलवाड़ा गांव में शिकार करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वन विभाग की टीम ने मृत मोर को बरामद करके पोस्टमार्टम करवाया। रेंजर जनेश्वर चौधरी के मुताबिक आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाने के आदेश दिए गए। आरोपियों का कोविड टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट आने पर जेल भिजवाया जाएगा। कार्रवाई में मुहाना वनपाल गोपाल बसेतिया, पुलिस थाना सेज के ASI हुकुम सिंह, सहायक वनपाल राज किशोर योगी और मांगीलाल की सराहनीय भूमिका रही। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजधानी के कन्नी विहार थाना इलाके में हाईवे पर किन्नरों के वेश में आए बदमाशों ने एक कार चालक से मारपीट कर नकदी और सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। इस संबंध में कन्नी कॉलोनी निवासी उमराव कुमार पारिक ने शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें आपको, शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे अपने घर लौट रहा। इस दौरान दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक लड़की ने इशारा कर उसकी कार रुकवाई। कार रुकवाने के बाद लड़की ने खुद को मुसीबत में फंसे होने की बात कहकर पीड़ित को अपने बातों में उलझाए रखा। इसी दौरान पीछे से किन्नरों के वेश में कुछ बदमाश आए और पीड़ित को कार से नीचे उतार कर मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद बदमाश ने पीड़ित से 8,000 रुपये और सोने की चेन लूट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश उस युवती के साथ मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद पीड़ित ने कन्नी विहार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांचना शुरू कर दिया और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग लगाने का प्रयास किया गया। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जिले के नौहर में नथवानिया गांव में 21 अप्रैल को कुछ लोगों ने मां बेटी को बाइक से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर तेजाब फेंक कर मां को जला दिया गया।
एसिड अटैक के हमले में 90% जली महिला को गंभीर हालत में हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हालात नाजुक होने पर बीकानेर के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 23 दिन बाद तेजाब पीड़िता ने पीजीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतका की पुत्री ने आरोप लगाया कि आरोपी सुभाष पूनिया ने उससे छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को। सुभाष पूनिया और उसके दो साथियों ने उसको मारने की नीयत से उस पर हमला किया और उसने भागकर जान बचाई तो आरोपियों ने उसकी मां पर तेजाब फेंक दिया। पेट्रोल की बोतल छोड़कर वो फरार हो गए। आपको बता दें, इस मामले में युवती ने गोगामेड़ी पुलिस पर सुनवाई नहीं करने के आरोप भी लगाया था। पुलिस ने थाने आकर रिपोर्ट करने को कहा। इसके बाद गंभीर जख्मी महिला को नौहर चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां हालात गंभीर होने पर महिला को हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।